हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त भी, स्वस्थ बिंदास होंगे। तो फ्रेंड्स ना, अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, अभी कोई जगह नहीं है घर में। तो सबसे पहले मम्मी और पापा जगे हैं, उनके बाद में मेरी आंखें खुली हैं तो मम्मी पापा अपनी चारपाइयों पर बैठे थे। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने ना ये भैंसों के पीछे से ना ये गोबर इकट्ठा कर दिया था। तो इसको ना फ्रेंड्स, मैं उठाकर ना बुग्गी में इकट्ठा कर देती हूँ ताकि फिर से दिक्कत ना हो मम्मी को। तो फ्रेंड्स, अभी ना मम्मी अभी भैंसों के लिए ना सानी दे रही हैं, भैंसों के लिए अभी भूस डाल रही हैं भैंसों के। तो अभी सानी देंगी सुबह सुबह में, और मैं इस गोबर को ना उठाकर बुग्गी में इकट्ठा कर देती हूँ। तो अभी तसले जैसे भरती हूँ, उठाती हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको रख देती हूँ, नहीं फिर सूख जाएगा। अभी जैसे धूप नहीं निकली, अभी जस्ट मॉर्निंग का है, अभी सूरज का तो कोई नाम ही नहीं है। तो इसको ना जब धूप निकल आती है तो ये सूख जाता है, जब इसको उठाने का नंबर आता है तो काफ़ी देर हो जाती है, ये सूखने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता। और इसको उठाकर अभी सुबह में इकट्ठा कर देते हैं तो ठीक रहता है। जब हम भी पहले इस काम को करते थे तो सबसे पहले हमारा यही काम होता था, और वही आदत हमको अभी लगी है कि जब जैसे भी हम अपने ससुराल से आते हैं तो मम्मी की हेल्प कर देते हैं जो भी हमसे हो पाती है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने ना ये जितना भी गोबर था ना, मैंने इकट्ठा करके ना सारा उसके अंदर डाल दिया है। और मम्मी अभी भैंसों के ना सानी दे रही हैं अभी। और मम्मी को थोड़ा दिक्कत है, अब मैंने आपको पहले बताया है, मम्मी अभी मेरी कमज़ोर हो चुकी हैं, इनका पैर भी टूट गया था तो उसकी वजह से इनकी दिक्कत है पैरों में भी और हाथों में भी। फिर भी मम्मी काम करती रहती हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ना मैं ये डाल चुकी हूँ, पूरा फिनिश कर दिया है ये गोबर उसमें इकट्ठा। और अभी पूरा हो चुका है। और अभी तक ये देखो, अभी ना जैसे ही हम मम्मी सानी देकर हटी, मैं गोबर इकट्ठा करके हटी, तो सबकी आंखें धीरे धीरे खुल चुकी हैं। तो अभी अपने फ्रेश होने में लगे हैं सब, अभी फ्रेश होने जा रहे हैं ये सब अपने अपने। और तो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ ना मितांश रचित, और विधि भी जगी नहीं है तो मैंने भी यहाँ बच्चों को ब्रूस दे दिया है, और मैं भी थोड़ा अपना सुबह का मुँह साफ कर लेती हूँ। और मितांश तो हमारा बहुत ही, मतलब वो है कि इसका ब्रूस में लाना भूल गई थी और यहाँ से लिया है, तो बड़ा ब्रूस मिला है इसके लिए, तो वो थोड़ा हार्ड है और ठीक भी नहीं लग रहा, पर वो ये कि मजबूर में यहाँ लेना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना हम बैठ गए हैं, ये यहाँ गांव में ना पापा ने कुंडा बनवा रखा है, टंकी की जगह ईंटों से पक्का कुंडा चिनवा रखा है, वहीं पर समर चला देते हैं और उसको ही भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हेडपम्प भी है साथ में, हेडपम्प से ना जब लाइट वगैरह नहीं आती है तो तब हेडपम्प से काम कर लेते हैं। और लाइट की यहाँ बहुत परेशानी या दिक्कत है, तो यहाँ इस तरह से हम काम कर लेते हैं। एसी को इकट्ठा करके पापा भर देते हैं, तो ये ना एसी में से सब काम हो जाता है पूरा। और सुबह का हो चुका है, सभी जाग चुके हैं धीरे धीरे करके। और मितांश का भी मुंह धो देती हूँ मैं, तो जैसे मितांश का काला चेहरा हो रहा है ना, इसको ये देखो काला चेहरा, तो उसको दिक्कत है, वो बोल रहा है छुटाओ, तो मैं उसको ना साबुन से छुटाऊँगी, ऐसे नहीं छूटेगा। और धीरे धीरे करके, और इतना तेज है काजल, इतना तेज लगता है ना कि आसानी से वो छूट नहीं पाता है। वैसे तो काला चेहरा कर देगा पर वैसे छूट नहीं सकता वो। तो अभी मैं इसका चेहरा धो देती हूँ मीड़ मीड़ कर। अब धुल चुका है और
रचित अपने लग रहा है साबुन लगाकर, मैंने बोला है उससे कि अपने खुद से धो लो, तो रचित अपना चेहरा खुद धो रहा है। ये देखो मितांश का चेहरा, ये देखो कैमरे पर दिखाने आया आप सबको, ये देखो अभी आँखें छू, काजल छूटा नहीं है ना, तो अभी रचित ने अपने आप धोना स्टार्ट किया। तो मैं बोल रही हूँ उसे धो दूँ कि नहीं, और मैं भी फ्रेंड्स ना अभी साबुन लगाकर चेहरे को धो लेती हूँ ताकि काजल ना छूट जाए, हल्का फुल्का छूट जाएगा जितना भी छूटेगा, और बाकी का आँखों में रह जाएगा। तो देखो रचित का चेहरा भी, रचित ने भी दोनों भाइयों ने अपना चेहरा धो लिया है, और अभी विधि जगी नहीं है तो विधि रह गई है अभी, और विधि को भी जगाना नहीं है, उसको ना बहुत अच्छी सुबह लगती है तो वो लेट तक सोती है, और ऐसे धीरे धीरे करके ना सभी जग चुके हैं। और अब ये देख सकते हो आप, सुबह में ना सब इकट्ठे हो गए हैं, बैठ गए हैं सब, अब काफ़ी टाइम हो गया है, और टाइम की तो मुझे पता नहीं क्या कितना टाइम है, कितना बजे हैं, लेकिन हाँ ये है कि सूरज नहीं निकला है अभी यहाँ, तो अभी सब और नहीं मैं मितांश को दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है, ये रचित देख लो आँखें इसकी अभी मैं क्या, और मितांश भी देखो, मितांश देखा ना नहीं सुन रहा, ये देखो एक चरपाई पर पैर हैं तो दूसरी चरपाई पर हाथ हैं, और रचित पीछे लेट गया है और वर्जिश कर रहा है, जिम का बहुत शौक है इसको, जिम करने में लगा है सुबह ही सुबह। और अभी देखो अभी दिखाएगा, देखो बार बार बोल रही हूँ अभी दिखाएगा, तो एकदम से दांत ये देखो कैसे, ये देखो और काजल हम लोगों का इतना छूटा है, जब नहाएंगे हम सब तो और भी छूट जाएगा। अभी फ्रेंड्स इधर ना मैं अभी जा रही हूँ रसोई की तरफ, और इधर भाभी मेरी ना सुबह के लिए दूध निकाल रही है भैंसों को, और इधर विधि भी जाग चुकी है, विधि का भी इतनी आंखें नहीं काली हुई हैं। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई पर, रसोई में तो रसोई में मैं चने की दाल पीस रही हूँ मंगोड़ियों के लिए, तो पीस कर ये मंगोड़ियों के लिए मैं दाल पीस रही हूँ, और सुबह ये रात भिगो कर रख दी थी चने की दाल, और अभी मैं पीस लेती हूँ, तो बारीक तरह से पीसनी पड़ेगी ये, और ग्राइंडर यहाँ लाइट नहीं आ रही है सुबह सुबह, तो इसलिए ये हाथ से पीसनी पड़ रही है, और नहीं ग्राइंडर से भी हम पीस लेते इसे। और फ्रेंड्स अब के वीडियो में दाल मैं पीस चुकी हूँ, तो वीडियो में बस अब तक इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।